शाहिद पर छाया था प्रियंका का खुमार। अपनी बर्थडे पार्टी में मिस कर रहे थे शाहिद प्रियंका को। याद आ रही थी साशा को पिगी चॉप्स। Of course, I'm missing all those people who won't be able to be here, and Priyanka is definitely one of them. Yes. शाहिद पर प्रियंका का खुमार कुछ ऐसा था कि अपनी पार्टी में आने वाली सोनम कपूर को भी भूल गए और कह दिया कि सोनम शूटिंग में बिजी हैं। My father's proceeded straight to Punjab, जहाँ पे वो सोनम के साथ 5-6 दिन की शूटिंग करेंगे। शाहिद, अगर सोनम बिजी हैं, तो पार्टी में आई ये लड़की कौन है? खैर छोड़िए, ये तो बताइए कि प्रियंका ने गिफ्ट क्या दिया। Give me a helmet and a leather jacket. अब इतनी ही करीब है प्रियंका, तो उन्हें अपनी हमसफर के तौर पर क्यों नहीं चुन लेते? No, not at all. That's never a pressure. I think it's a beautiful thing. And you should get married when you're happy, when you're ready for it, when you feel you found somebody you can spend your life with. Well, अगर सही पार्टनर नहीं मिला, तो क्या हम ढूंढना शुरू कर दें? तेरी दाल नहीं गल रही जर्नलिज्म में। अरे नाराज मत हो ये शाहिद, दाल तो खूब गल रही है। आखिर जेनिलिया को आपने अपनी गाड़ी में ड्रॉप करवाया, ये हमारी नज़र से कहाँ बच पाया? शाहिद की गाड़ी में बैठ कर गई जेनिलिया। बस अगर ये प्रियंका देख ले, तो आप अपने लिए आठवां कोन माफ की फरियाद ना मांगेगा। शाहिद की पार्टी का रंग सबसे पावरफुल था, लेकिन रंग पर पड़ गया भंग जब वहाँ पहुँच गयी पुलिस। शाहिद की बर्थडे पार्टी के रंग में पड़ा भंग। मुंबई के एक पब में हो रही इस पार्टी में सेलेब्स को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ और देर रात 2 बजे तक बज रहा था म्यूजिक। यही देखते हुए पुलिस को करना पड़ा इंटरफेयर। इससे डिसअपॉइंट हुए बर्थडे बॉय, मगर ये चेहरे पर नजर नहीं आने दिया। मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ यार, दिस इज वेरी लेट फॉर मी। सो तो जरूर जाते शाहिद, अगर इतना पावर डिस्प्ले ना करते। पार्टी शुरू होने से पहले ही शाहिद ने ये कहा कि मेहमान तो आएंगे, मगर उनका बॉलीवुड में कोई पावर नहीं, वो कमजोर है। यार पता नहीं मुझे पावर और। शाहिद का पावर कैसा था, जरा इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। बॉलीवुड का हर नामी फिल्म मेकर पहुंचा था साशा की पार्टी में, और अगर आमिर और किरण भी आ जाते तो पावर थोड़ा और बढ़ जाता। वी स्पॉटेड आमिर एंड किरण पासिंग बाय व्हाइल शाहिद्स पार्टी वाज ऑन। तबू, रानी, रितेश, जेनिलिया, अनुष्का, रणवीर जैसे कई एक्टर्स के साथ पार्टी में डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। अब इसे देख कर तो हम यही कहेंगे कि पार्टी में पुलिस के आने से रंग में भंग तो पड़ ही गया, लेकिन फिर भी ये पार्टी थी पावरफुल। और अब बात करते हैं जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने कैच किया सोनम कपूर का वार्डरोब मैलफंक्शन। जूम फैशन पुलिस ने कैच किया है सोनम कपूर का ऊप्स मोमेंट। सोनम कपूर ने पहनी है काफी ओपन ड्रेस, और यही ड्रेस सोनम के लिए पड़ गई भारी, क्योंकि जूम के कैमरे ने कैप्चर किया वो नजारा जो नजर नहीं आना चाहिए था। सोनम, आप अपने फैशन सेंस और स्टाइल के लिए ही जानी जाती हैं, लेकिन फिर भी आपने इस तरह की ड्रेस पहनने की मिस्टेक कैसे कर ली? That's what we don't understand. But yes, we want to advise you. Be careful next time, क्योंकि Zoom Fashion Police की नजर आप पर है। और अब आरक्षण की शूटिंग लोकेशन की सारी खबरें देने के लिए खुद आ गई है फिल्म की स्टार कास्ट। वैसे तो हमने आपको प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण की कई झलक दिखाई है, अब हम आपको दिखा रहे हैं ये घर की तस्वीरें जिसमें फिल्म के कई सीन्स शूट किए गए हैं। फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म की पूरी कास्ट, अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर प्रकाश झा, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और तन्वी आजमी ने भोपाल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, और मेरी बेटी है, मैं बच्चन साहब की बेटी हूँ। भोपाल में पहली दफा मैं यहाँ शूटिंग करने आया हूँ, हालांकि भोपाल घर समानी है जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं भोपाल का जमाई हूँ और इस नाते बहुत सारे अधिकार हैं मेरे, लेकिन इन अधिकारों के बावजूद जिस तरह का स्वागत भोपाल ने और भोपाल के निवासियों ने मेरा किया है, उसके लिए मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ आप सबको। जहाँ बिग बी नजर आए काफी एक्साइटेड, वहीं मीडिया के कुछ सवालों से नाराज दिखे सैफ अली खान। नहीं सब क्यों, आपको क्यों लग इतनी सीरियस, इतनी अच्छी बातें हो रही है यहाँ पे, मेरी शक्ल देख के आपको सिर्फ गॉसिप क्यों गूंज रही है यहाँ पे? वेल, अभी तो फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या सीधी सादी दिखने वाली अमृता राव को कभी गुस्सा आता है? अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए।
अमृता राव को आया गुस्सा। जी हाँ, शायद आपको यकीन ना हो मगर ये सच है। हमेशा अपनी सॉफ्टनेस के लिए जानी जाने वाली अमृता को भी अब गुस्सा आ ही गया। मगर क्यों? दरअसल बात ये है कि हाल ही में अमृता बनी है एक ज्वेलरी ब्रांड की एम्बेसडर। अब जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, अमृता आई और मीडिया से रूबरू भी हुई और कुछ देर में अमृता की एवी देखने की बारी आई। मगर ये क्या, लाख कोशिश करने के बाद भी एवी प्ले नहीं हो पाई। वेल, कुछ देर तो अमृता ने अपने आप को रोक कर रखा, पर जैसे ही अमृता को बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल ही दिया। Thank God the mic is working at least. अमृता ने ये कहकर ये तो जता दिया कि एवी नहीं चली तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मगर जब जूम ने एक्सक्लूसिवली इस बात को अमृता के सामने रखा तो अमृता ने बड़े प्यार से इस बात को टाल दिया। आज मुझे गुस्सा नहीं आया, I was just very happy to be here and एवी नहीं चला तो क्या हुआ, because ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, we are human after all, it's not necessary that every media event has to be perfect. Well, अब इतनी समझदारी तो है अमृता में। अरे भाई, अभी अभी तो अमृता को ये ब्रांड मिला है और बगल में ही ब्रांड के लोग भी खड़े हैं, तो भला इतना खुलकर कैसे बोल सकती है अमृता। शाहरुख खान हो गए हैं कंफ्यूज, कभी अपने आप को प्राइसलेस बताते हैं तो कभी अपनी हैसियत पर ही सवाल उठा देते हैं। शाहरुख खान ने एक बार फिर निशाना साधा उन बाकी स्टार्स पर जो करते हैं टीवी शोज होस्ट। जी हाँ, शाहरुख ने बताया अपने आप को प्राइसलेस और कह दिया कि प्राइस मनी उनकी नहीं बल्कि बाकी एक्टर्स की जाकर पूछें। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि जब से शाहरुख ने रियलिटी शो जोर का झटका साइन किया, तब से ही ये खबरें आने लगी कि शाहरुख है हाईएस्ट पेड एक्टर। मगर बाद में सुनने में ये भी आया कि शाहरुख को पीछे छोड़ दिया है ऋतिक रोशन ने। और जब यही सच्चाई जानने के लिए हमने शाहरुख से उनकी प्राइस मनी पूछ ली तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। I tell you put numbers and figures to other actors. This one you can't touch this. I'm priceless. Well, शाहरुख का ये शो TRP wise कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया, तो ऐसा क्या हुआ जो शाहरुख अपने इस परफॉर्मेंस से इतने खुश हैं? I'm happy having done this. I'm happy these guys are so wonderful. I think they've done a great job. शाहरुख अपने आप को प्राइसलेस तो बताते हैं मगर ये क्या, शाहरुख कुछ ही पल बाद आप अपनी ही हैसियत पर सवाल उठा देते हैं। जब शाहरुख से पूछा गया कि क्या उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी इस टाइप के शो को बनाने में इंटरेस्टेड है, तो शाहरुख ने कह दिया कि उनकी तो हैसियत ही नहीं है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं बस थोड़ी सी चीजें हैंडल करता हूँ, फिल्में बना लूंगा, यही बहुत है, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो टीवी जो इंडस्ट्री, आई थिंक दे शुड ट्राई। लगता है कि बादशाह कंफ्यूज है अपने स्टेटस को लेकर, तभी तो अपने आप को कभी प्राइसलेस बताते हैं तो कभी अपनी हैसियत को कम बता देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि काम के साथ साथ थोड़ा आराम करना भी जरूरी है। एक बार फिर लेट हो गए गोविंदा, और वो भी अपनी ही फिल्म के प्रमोशन में। बीत गए लेकिन गोविंदा की लेट लतीफी की आदत नहीं बदली। अब देखिए ना, अपनी फिल्म नॉट येट 40 के फर्स्ट लुक में भी गोविंदा 2 घंटे लेट पहुंचे, और तो और इनकी ऑपोजिट फीमेल लीड युविका चौधरी भी 1 घंटा लेट पहुंची। खैर, इनकी तो शुरुआत है, लेकिन गोविंदा के पास इस बार जवाब कुछ यूं है। ये तो आपकी खुद की समझदारी पे डिपेंड है। 2 घंटा लेट, 2 घंटा आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपकी खुद की समझदारी। और कितने घंटे लेट है? 2 घंटे कब बोला आपको लेट है? मैंने बोला आप अपना अनुमान लगाइए, आपके अनुमान के हिसाब से रहिए आप। जब गोविंदा मीडिया के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो कुछ यूं ही कहानी बना ली। मेरे मेकअप मैन है, और 25 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बहुत बीमार हो गए, सो ही वाज इन द हॉस्पिटल फॉर सो मेनी डेज, आई कुडंट गो एंड सी। आज वो मेरे घर पर आ रहे हैं तो उनको देखकर मुझे बड़ा दुख है, और काफी देर उनके साथ रहा। चलिए थोड़ा सीरियस मूड से हटकर अब दिखाते हैं आपको गोविंदा की नॉटी हरकतें जो अपनी फिल्म में कर रहे हैं। ये किरदार कहीं मैंने बहुत समय पहले ऐसा व्यक्ति देखा, कुछ उसको मैंने मेरे नॉलेज में आया था, तो मैंने उसे देखा जब, तो मैंने कहा कि ये बंदा तो सही नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। लेकिन वो उसकी जो इमोशंस में उसके उसको जो तकलीफ हो रही थी उसमें बहुत से लोग हंस रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार से बेजार रहते हैं, उन्हें प्यार नहीं मिलता। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ ऐसा कह दूँ जिसमें बहुत से लोगों को ये समझ में आए कि
इन तकलीफों को दूर कैसे कर। और जाते जाते सुन लीजिए गोविंदा के 40 के एज वालों के लिए नॉटी नुस्खे। 40s में हो या आप एज के जो दौर में हो, आपकी सोच जो है वो आपको खुश रखती है, आपकी सोच आपको जमा रखती है, आपकी सोच जो है वो आपको या तो डराती है या निर्भय बनाती है। तो निर्भय नहीं बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डरना भी नहीं। वेल लेट्स सी कि ऑडियंस गोविंदा की नॉटी हरकतों को कितना पसंद करती है। कटरीना चली गई तो सलमान की लाइफ में आ गई है एक और हसीना। जी हाँ, बॉडीगार्ड की शूटिंग लोकेशन से तो कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। आजा मैं हवाओं पर बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आखिर कौन है नई दोस्त सलमान की? वेल, मुंबई के एक डेली की माने तो सलमान की लाइफ में फिर आ गई है एक नई लड़की और उस लड़की से काफी घुल मिल गए हैं द मैचो मैन। वेल लेट्स रिवील द सीक्रेट, हेजल है सलमान की नई दोस्त। सुनने में तो यही आ रहा है कि सलमान इज बॉन्डिंग वेल विद दिस फॉरेन ब्यूटी दीस डेज ऑन द सेट्स ऑफ बॉडीगार्ड जो शूट हो रही है पुणे में। कटरीना के साथ ब्रेकअप के बाद न्यूज तो यही थी कि सलमान डजंट वांट एनी गर्ल इन हिज लाइफ नाउ और वो करना चाहते हैं अपने करियर पर मोर कॉन्सेंट्रेट आफ्टर दबंग सक्सेस। बट सलमान की ये बढ़ती नजदीकियां विद अनदर फिरंगी, फिर ये क्या है सलमान? कटरीना आप देख रही है ना, विद्या बालन को भी अब मिल गया है कोई साथी। जी हाँ, अपने रिलेशनशिप को लेकर कंट्रोवर्सी में रहने वाली विद्या अब बहुत जल्द एंगेज्ड होने वाली हैं। विद्या बालन अब नहीं सिंगल। जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं कि विद्या बालन जल्द ही एंगेजमेंट करने वाली हैं। मगर क्या आपको पता है कि कौन है वो लकी बॉय जो राज करने वाला है विद्या के दिल पर? नहीं तो हम आपको बता देते हैं। सोर्सेस की माने तो विद्या आजकल डेट कर रही हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर को। जी हाँ, ये दोनों अक्सर एक साथ देखे जाने लगे हैं। कुछ दिनों पहले ये दोनों एक नहीं बल्कि दो ओकेजन पर एक साथ ज्यादा वक्त बिताते देखे हुए गए थे। इतना ही नहीं, एक अवार्ड फंक्शन के बाद ये दोनों सिंगापुर में साथ में रुके हुए भी थे और इसके अलावा अब ये दोनों एक साथ फोटो के लिए भी पोज देने लगे हैं। Well, अब जब इतनी सारी बातें एक साथ सुनी जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिद्धार्थ इस बारे में खुलकर इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंतजार है अपनी वाइफ से डिवोर्स का और शायद इसीलिए उन्होंने चुप्पी साधी है। Well, अब दोनों इस बात को माने या ना माने, खबरों में दम तो है ही। दीपिका पादुकोण हो गई है परेशान और परेशानी की वजह है उनकी स्कर्ट। दीपिका पादुकोण को प्रॉब्लम हो रही है उनकी स्कर्ट से। जी हाँ, दीपिका कंफर्टेबल नहीं है अपनी स्कर्ट में। उनकी स्कर्ट इतनी छोटी है कि उन्हें हो रही है प्रॉब्लम। हम आपको बता दें कि कोई और स्कर्ट नहीं बल्कि ये तो वो स्कर्ट है जो दीपिका ने पहना एक हॉट आइटम नंबर के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दम मारो दम के आइटम सॉन्ग के बारे में। सोर्सेस की माने तो जिस स्कर्ट को लेकर दीपिका इतनी पॉपुलर हो चुकी है वही उनके लिए हो गई है छोटी। दीपिका की स्कर्ट इतनी छोटी है कि डांस के कुछ स्टेप्स करने में वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हैं और ये एहसास उन्हें तब हुआ जब वो अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी। वेल दीपिका, आपके तो इस सॉन्ग के लिरिक्स में ही स्कर्ट का नाम आया है तो आप थोड़ा मैनेज तो आपको करना ही पड़ेगा। जॉन को तो आपने मैराथन में दौड़ते हुए देख लिया लेकिन जॉन के बाद अब सलमान दौड़ेंगे मैराथन में। आपने जॉन इब्राहिम को कई बार मैराथन में देखा होगा मगर इस बार मैराथन को सपोर्ट करेंगे जॉन के राइवल सलमान खान। Well, ये सच है, बस फर्क इतना है कि ये मैराथन ना होते हुए मैराथन है। जी हाँ, सलमान अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के तहत करवाएंगे एक मैराथन। सलमान खान फाउंडेशन कॉलेजेस में जाकर यंगस्टर्स से करेगा अपील टू डोनेट देयर बोन मैरो। मार्च के महीने में कंडक्ट होगा सलमान का ये मैरो डोनेशन कैंप। सोर्सेस की माने तो सलमान अपने फैन से पर्सनली जाकर बोन मैरो को डोनेट करने की अपील करेंगे। सलमान के एनजीओ ने मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया के साथ कर लिया है टाई अप जिसके तहत सल्लू की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा डोनर्स को इकट्ठा करे। एंड इफ ही हिमसेल्फ स्टेप्स इनटू अपील दिस वोंट बी अ डॉन्टिंग टास्क। Thank you.
date of Platinum Day of Love. आपके प्यार का इजहार आपको दिला सकता है बेशकीमती डायमंड। जी हाँ, प्लैटिनम डे ऑफ लव कॉन्टेस्ट कमीशन बाय प्लैटिनम गिल्ड ज्वेलरी दे रहा है आपको कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी जिसमें आप प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। वेल, फॉर दिस यू हैव टू सेंड इन योर प्लैटिनम डे ऑफ लव स्टोरी ऑन www.facebook.com/platinumdayoflove एंड यू कुड विन दिस पीस ऑफ प्लैटिनम ज्वेलरी बाय इंडियाज लग्जरी ज्वेलरी डिजाइनर पूनम सोनी एंड क्राफ्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन प्लैटिनम यूनी डिजाइन इंडिया। वेल, इस बारे में और भी अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ है पूनम सोनी। This design had a brief for me that Platinum was doing something which was called a Platinum Day of Love. And I would associate platinum with love in any case because it's something which is so rare or precious that when it's given on special moments, the moments become very special. पूनम ने ये भी शेयर किया कि वो इस ब्रांड के साथ क्यों जुड़ी, उन्हें क्या लगा इसमें खास। I chose to work with it because it's an emotion I could identify that being platinum and a day of love, I could create something which would, combine the two and be something like a very exclusive piece of jewelry. So, exclusive piece of jewelry aapko bhi mil sakti hai. So, why do wait? Just log on to Facebook and share your love.